हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल उलाना चैम्प्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबाएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को शेयर कीजिएगा। इसमें जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस, राजीव नवोदय, हिमज्योति स्कूल और भी मैथ्स विजार्ड आदि सारी प्राइमरी लेवल से संबंधित बहुत सारा मैटर मेरे इस चैनल में है। आज हम कर रहे हैं एक मैथ्स उजाड़ का पेपर और ये इसी वर्ष का है 2023 का, तो बहुत अच्छा पेपर है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन की हमारी तैयारी होगी, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न बिना देरी किए हुए, पहला है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जो अभाज्य संख्या होती है उसके दो गुणनखंड होते हैं। जैसे एक है तो एक में केवल एक का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, गुणनखंड उसको बोलते हैं जिसमें जो जिस संख्या का भाग उसमें जाता है। इसलिए एक को न भाज्य है न अभाज्य है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है। दो में देखिए एक का भाग जाता है, दो का जाता है, तो इसके दो गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य है। जिसके दो से ज्यादा होंगे वो भाज्य हो जाएगी। जैसे तीन में देखिए तीन एक का जाता है और केवल तीन का ही जाता है, तो इसके भी दो गुणनखंड है, तो ये अभाज्य है। अब देखिए चार में देखिए एक का भी जाता है, दो का भी जाता है और चार का भी जाता है, तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए चार जो है भाज्य संख्या है। देखिए इन अंकों से बनने वाली पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ सम भी है, इसको पूरा ढंग से आपको पढ़ना है। जब पेपर आएगा तो सम संख्या बनानी है, तो छोटी से सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखते हैं, तो सबसे छोटा जीरो नहीं लिखते, जीरो से बड़ा वन है, उसके बाद हम जीरो लिख देते हैं, तब सबसे छोटा दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद सात है। तो देखो पांच अंकों की बन गई, लेकिन ये विषम बने। देखिए अब यहां बनानी है सम संख्या, तो सम संख्या बनाने के लिए इकाई में क्या होना चाहिए, दो चार छ आठ या जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने छोटी से छोटी संख्या बनानी है इसलिए हम छोटा अंक पहले रखेंगे, तो लेकिन यहां सम जो है केवल एक ही अंक है, दो और शून्य भी सम है, लेकिन हम शून्य को ले जाएंगे। अगर आप देखिए थोड़ी देर के लिए वन टू थ्री सेवन जीरो आप ले जाएंगे तो ये तो सम संख्या बन गई, लेकिन ये थोड़ा बड़ी हो गई। अगर हम टू को ले जाएंगे वन जीरो थ्री सेवन टू, तो ये देखिए 12,000 बन गई, ये 10,000 बन गई। तो क्योंकि हमने छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो ये वाली सही है 10,372, ये वाला। ठीक 6 बजे घड़ी की सुई में कितने अंश का कोण बनेगा। तो कोण जो है यहाँ ऊपर जब 12 होता है और यहाँ नीचे 6 होता है, तो जब 6 पे घंटे की सुई 6 पे रहती है, मिनट की सुई 12 पे रहती है, तो ठीक 6 बज जाते हैं। तो इस समय जो कोण बनता है वो सरल कोण या 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर, माने सबसे छोटी संख्या यहाँ पे जीरो दे रखा है, जीरो में किसी सम संख्या में जोड़ने पर, इसको अगर दो 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 जोड़े, ठीक है ना, तो क्या होगा, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो यहाँ अगर दो को जोड़े तो यहाँ तो सम हो गया, दो में से जीरो जाएगा तो दो ही बचेगा, दोनों सम हो गए, विषम नहीं होगा। अब एक है तो एक में अगर हम क्या करेंगे, सम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे दो जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या विषम हो गई, इसमें से जो दो में से एक हटा दिया तो प्राप्त संख्या यहां भी विषम हो गई, तो वो संख्या होगी एक, ठीक है ना। 2045 में शून्य का स्थानीय मान, तो किसी भी संख्या में शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो 90,000 ही लिखे, 90 और 1,000 में तीन जीरो और होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक पढ़ेंगे। जब 9,000 से बड़ी कोई संख्या होती है तो उसको हम 10,000 तक पढ़ते हैं। 90,099, देखो 99 में केवल 99 दो अंक होते हैं, तो पहले अलग भी लिख सकते हैं, फिर इकाई के नीचे इकाई, इकाई दहाई के नीचे दहाई, इसको जोड़ दो आप, तो यहाँ देखो जीरो का जीरो, तो ये हो गया 90,099, ये वाला। एक स्कूल में 40 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 20 गमले रखे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के आते हैं उसमें
जो ये मैथ्स रिजल्ट होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमरे हैं 40, आपको ध्यान से देखना है, और एक कमरे में 20 गमले हैं। यदि एक गमले के लिए, पहले तो हम देखेंगे कुल कितने गमले आ गए, तो छोड़िए आप, एक कमरे में 20 गमले हैं और 40 कमरे हैं, तो 40 × 20 तो 4 × 2 = 8, ये गुणा करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब ये दोनों जीरो के बदले 2 जीरो, इसका मतलब 800 गमले हैं। कितने गमले हैं? 800 गमले। यदि एक गमले के लिए 5 किलोग्राम मिट्टी की जरूरत है, तो सभी गमलों को भरने के लिए कुल कितनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी? अब जब 800 गमले हमारे पास हैं और एक गमले के लिए 5 किलोग्राम चाहिए, तो हम इसको गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40 और ये 2 जीरो के 2 जीरो, तो 4000 किलोग्राम मिट्टी चाहिए। 24/54 का लघुतम रूप, लघुतम बोलते हैं छोटा सा छोटा, तो इसको काट के किस जिसका भाग जाता है, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पहले आपको ढूंढिए, तो 12 का तो 24 में जा रहा है, 54 में नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है 54 में? 6 का जा रहा है, देखो 6 × 24 और 6 × 9 = 54, तो 4/9, इसके बाद किसी का नहीं जा रहा है, ना 4 में 9 में किसी का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 45 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? देखिए यहाँ सभी गुणनखंड पूछ रखे हैं, इसको बहुत तरीके से आपको करना है, क्योंकि बच्चे के अभाज्य गुणनखंड और सभी गुणनखंड में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो 45 के गुणनखंड यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 45 लिख देते हैं लास्ट, क्योंकि सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है सबका, और सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या होती है। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि इसकी इकाई में विषम संख्या है। 3 का जाएगा, देखो 3 का 45 में देंगे, 5 × 4 = 9 हो रहा है, तो 3 का जाएगा, तो 3 × 1 = 3 और 1 = 15 हुआ, तो 3 × 5 = 15, तो 3 × 15 बार गया, तो इसका मतलब 3 इधर से लिखेंगे, 15 इधर से लिखेंगे कॉमा करके, इसका मतलब 15 का 3 बार जाएगा, 15 × 3 = 45, 3 के बाद 4 का तो जाएगा नहीं किसी भी सम, तो 5 का देखेंगे, 5 × 45 जा रहा है, तो यहाँ 5 और यहाँ 9, तो यहाँ से देखिए 9 तक आ गया पीछे से उल्टा, और यहाँ से उल्टा 5 तक चला गया। अब 6, 7, 8 तीन संख्याएं बच गई, तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी पाड़े में 45 नहीं आता, 8 का भी नहीं जाता, तो ये इसके गुणनखंड हो गए सब, तो कितने हो गए? 3 और 3 = 6 हो गए, तो यहाँ संख्या लिखनी है आपको 6 की बात ही। अब है 225 के अभाज्य गुणनखंड, जब अभाज्य गुणनखंड की बात आती है, तो हम यहाँ पे इस तरह के लाइन मार के 225 में भाग देते हैं, तो देखिए किसी भी संख्या अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, तो 5 का भाग तो जाएगा ही, 5 अभाज्य संख्या, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 × 20, अब यहाँ 2 × 25 हुआ, तो 5 × 25, फिर देखिए 5 का जा रहा है, 5 × 9 = 45, अब देखिए 3 का जा रहा है, 3 × 3 = 9, फिर 3 का जा रहा है, 3 × 3 = 3, तो इसका गुणनखंड लिखने का तरीका, पहले छोटी संख्या लिखते हैं, 3 × 3 × 5 × 5, तो 3 × 3 × 5 × इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये होना चाहिए था बीच में 3 भी रहा होगा, 5 × 5, इसमें 5 × 5 = 25, 25 × 75 = 75, 75 × 3 = 225, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये वाला उत्तर सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए बहुत, इसको दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, इसको देखिए 150 × 6 करिए बस, तब दशमलव बाद में लगा दीजिएगा, तो 15 × 96 होता है और ये 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 600, इसको 600 ही कर लीजिए माना दशमलव लगाने के लिए, तो यहाँ 600 क्योंकि दशमलव वाले के 0 0 पूरे उतारने ताकि हमें दशमलव सही लगे उतरे, 15 × 96 हो गया, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो आ गए। अब यहाँ दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, यहाँ तो दशमलव है नहीं, 1 2 3, तो इसका मान 90 हो गया, तो उत्तर आना चाहिए 9 के बराबर। इसको करो 15 × 0.006, पहले तो दशमलव को आप भूल जाइए, ठीक है ना, तो सीधा 15 × 96 करिए आप, क्योंकि इसकी इस तरफ तो दशमलव शून्य है नहीं, पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ आप लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में फर्क पड़ेगा जब हमें दशमलव लगाने हैं। अब कितने अंकों के पहले लगाना है, 1 2 3, तो 1 2 और 1 3 यहाँ दशमलव लगेगा, तो यहाँ भी इसका उत्तर भी 9 नहीं आ रहा है। इसको आप करिए तो 15 × 0 दशमलव आप छोड़ दीजिए, 0 6 0, अब देखो 15 × 96 हो गया। अब इधर के 2 जीरो तो जरूरी नहीं लगाना फिलहाल, लेकिन आगे का 1 जीरो जरूर लगा दीजिए, ठीक है ना, 900। अब देखिए यहाँ दशमलव कितने अंकों के पीछे, 3, अब लगाइए दशमलव, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगेगा,
तो ये इसका मान भी 9 के बराबर नहीं हो रहा है, ये 0.9 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0.0 तो हट जाते हैं, तो ये 0.9 इसका मान हो गया। अब लास्ट वाला देखिए, 15 × 6 = 90, ठीक है ना। 90 के आगे ये 60 के 2 जीरो हैं, 600 के 2 जीरो। अब 1, 2, 3 अंकों के पीछे दशमलव, तो 1, 2, 3 अंकों के पीछे यहाँ दशमलव लगेगा, तो देखिए इसका मान ठीक 9 हो रहा है। तो दो संख्याओं का योग 10,000 है, यदि एक संख्या 999 है तो दूसरी संख्या होगी, यहां आपको घटाना है 10,000 में से 999, 10 में से 9 गया 1, अब यहां 9 ही बचा, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहां भी 9 है तो 9, तो ये होगी 9001, ठीक है ना। अब 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 1000 से 1 कम जो है 999 होता है, आप घटा के भी देख सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं एक पहले की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम उसे कहते हैं जो पहले बड़ी संख्या है बाद में छोटी संख्या। तो यहाँ सबसे पहले हम पूर्ण संख्या देखेंगे, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है बराबर है। अब दशमलव के बाद का पहला अंक देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो यहाँ आगे देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि गलत हो गया। यहाँ देखिए 10 है, 10 है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 0 है, तो ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ 9 के बाद, क्योंकि ये दोनों 9-9 बराबर हो गए, यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये सही है, ये सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद ये छोटी संख्या, उसके बाद ये सबसे छोटी संख्या है, तो उत्तर सी होगा। सोहन ने गुल्लक में 50 पैसे के 20 सिक्के और 10 रुपए के 10 नोट थे। देखिए 50 पैसे के 20 सिक्के, 50 पैसे के 20 सिक्के थे, ये पैसा है याद रखना, ये रुपए नहीं है, पैसा, तो इसको गुणा कर दीजिए, 5 × 10 और 10 के आगे 2 जीरो लगे, तो 1000 पैसे का मतलब अगर इसपे 100 का भार देंगे तो इसके 2 अंकों के पीछे दशमलव लग जाएगा, तो 10 रुपए हो गए सिक्कों के, तो हो गए 10 रुपए, 10 रुपए के 10 नोट है, तो 10 रुपए के गुणा किया 10 नोट, तो 10 दशांक के 100 रुपए हो गए। अब उसके पास कितने पैसे हो गए, पहले ये देख लीजिए, 10 रुपए उसके हो गए, तो 110 रुपए हो गए उसके पास, ठीक है ना। उसने 75 रुपए 25 पैसे खर्च कर दिए, तो गुल्लक में कितनी धनराशि शेष है, इसमें 110 पैसे घटाना है आपने, कैसे घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं, तो 110.00 करते हैं, याद रखना है इसको। अब 25 पैसे यहाँ इसके नीचे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, और यहाँ 5 और यहाँ 7, अब घटाइए 10 में से 5 किया 5, अब यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ देखिए यहाँ भी 9 बच गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 0 बचा है, तो ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, उसके पास बच गए 34 रुपए 75 पैसे, ये वाला आंसर सही। अगला देखिए, ये है, इसको गुणा करना है, तीनों गुणा के, तो थोड़ी देर के लिए आप दशमलव भूल जाओ, भूल जाइए, तो 5 × 25 और 25 × 125 हो गया। अब दशमलव देखिए, 1 अंक के पीछे 2 और 3 अंकों के पीछे, तो यहाँ 3 अंकों के पीछे यहाँ दशमलव आएगा, और दशमलव से पहले 1 जीरो भी लगाते हैं, तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे पहले देखिए टोटल इसका ज्ञात करिए, योग, कुल योग, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत है 9, तो यानी 1 9 है, दूसरी भी 9, तीसरी भी 9, तो 9 × 3 = 27 हो गया टोटल। पहली 2 संख्याएं 8 और 11 है, इसमें 2 संख्याएं 1 8 है, 1 11 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये 9 19 हो गई। तो तीसरी संख्या ज्ञात कैसे होगी, क्योंकि टोटल 27 है, 2 संख्याओं का योग 19 है, तो 27 में से 19 आप कम कर दो, 17 में से 9 गया 8, तो तीसरी संख्या जो होगी वो होगी 8। 500 ग्राम व 4 किलोग्राम, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको उल्टा करके लिखिए, 4 क्योंकि ये किलोग्राम है और ये है ग्राम, तो किलोग्राम का भी हम पहले 4 किलोग्राम का क्या बना देंगे, ग्राम, क्योंकि प्रतिशत निकालने में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 4000 ग्राम हो गया, GM लिखो चाहे ग्राम लिखे। अब ये 4000 ग्राम का, 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत बने, x प्रतिशत बराबर 500 ग्राम। एक तरीका तो ये है इसको करने का, पहले इसी को, तो x का मान हम निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 500 वहीं रहेगा, ये नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा।
यहां ऊपर वाला 4000 नीचे आ जाएगा। तो यहां देखिए 3 जीरो काटिए, यहां भी 2 जीरो ये कटा, 1 ये कटा। अब देखिए 4 से 50 नहीं कटता है, चार चार का आप 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 पंजे 2 पंजे 10, तो 25/2 हो गया। 25/2 यानी 2 का भाग अगर आप 25 में देंगे, क्योंकि जब नीचे छोटा होता है तो 2 एकम 2, फिर 5 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो यहाँ 10 दशमलव और यहाँ 1 के आगे 0, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 12.5%। ये वाला उत्तर 12.5%। एक दूसरा तरीका है, आप जिस हिसाब से समझते हैं, क्योंकि 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम हो गया, तो 4000 ग्राम हम नीचे लिखते हैं और इसमें से 500 ग्राम ऊपर। जैसे टीचर लिखता है कि 4000 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें से 500 नंबर आए सपोज कर, मान तो 500 नंबर ऊपर, 4000 कुल योग नीचे। अब इसका प्रतिशत बनाने के लिए तरीका होता है गुणा 100 और गुणा 100, ऊपर भी नीचे 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा। नीचे का जो 100 है इसका बन जाता है प्रतिशत का निशान, इसके साथ छेड़ना नहीं है, यहाँ चला गया। अब देखिए अब वही होगी कंडीशन, फिर ये 3 जीरो कट गए, 3 जीरो कट गए, तो 4 का भाग 50 में दीजिए, चाहे आप 2 से काटिए उतना ही आएगा, 12.5%। आप करके देखिए, एक रेलगाड़ी देहरादून से सुबह 8:30 बजे चलती है तथा रात्रि 11:45 बजे दिल्ली पहुंचती है। अब यहाँ पे देखिए ये रेलगाड़ी चल रही है सुबह 8:30 पे, अब लेकिन 8 के बाद 9 बजे, 10, 11, 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर 1 बजे आता है, फिर 2, तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि हम 1 बजे को इस पर रेलवे टाइम के हिसाब से करेंगे, 1 बजे को हम 13 बजे बोलेंगे, 2 बजे को 14 बजे, तो इस हिसाब से रात के 11 बजे को कितना बोलते हैं, 23 बजे, 23:45 पे पहुंची है। तो जहां पहुंचती है वो ऊपर लिखते हैं, जब चलते हैं वो नीचे लिखते हैं, इसको घटा देते हैं। तो क्योंकि रेलगाड़ी ने देहरादून से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लिया, जब पहुंची उसको ऊपर, जब चली नीचे, और घटाएंगे एक साथ घटाते हैं, 45 में से 30 आप अलग पे घटा सकते हैं, कभी कभी ऐसे में गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है गड़बड़, तो 45 में से 30 आप यहाँ पे घटाइए तो 15 बचा, तो 15 मिनट हो गए, और यहाँ 13 में से 8 गया 5 और यहाँ 1, तो 15 घंटा और 15 मिनट लगे। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 5 के 5 गुणज क्या क्या होंगे, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, 5 कम 5, 5 दुनी 10, 5 या 15, तो 75 होगा। यहां देखिए 5 है 10 है 17 है 26 है, तो 5 और 5 10 होता है, तो 5 में 5 जोड़ के 10, 10 में देखिए 7 जोड़ रखे हैं, 17, पहले 5 जोड़ा तब 7 जोड़ा, 7 के बाद 26 में कितना जोड़ा, 9 जोड़ा, 17 के बाद 17 और 9 26 होता है, तो पहले 5 जोड़ा तब 7 जोड़ा तब 9 जोड़ा, तो 26 में आप 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ के 26 में आप 11 जोड़िए तो 37 होगा, और 37 के बाद हम क्या जोड़ेंगे, फिर 13 जोड़ेंगे, तो 37 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 50 होगा, तो यहाँ पे 2 पद होंगे 37 और 50। ये वाला 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का मौ 100 है। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, तो 10 नमन 90, यहां 9 बज गया, अब फिर 9 का भाग हम 10 में देंगे, तो 9 एकम 9, अब देखिए बचा 1, तो 1 का भाग 9 में देंगे, फिर इस 9 में, तो 1 नमन 9, तो मौ सौ आएगा 1। 46,925 में यदि 6 और 2 के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या में कितना अंतर होगा। 6 और 9 का स्थान बदलना है, 6 का स्थान अब 2 का स्थान, यानी पहले एक संख्या है 46,925, अब जब हम स्थान बदलेंगे तो 6 की जगह हम लिख देंगे 2, तो 4, और यहाँ 6 की जगह 2 लिख दिया, 9 वैसे ही, और 2 की जगह 6 लिख दिया, अब 5 वैसे, तो ये छोटी बन गई, तो इसमें अंतर बताना है, घटाना है, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहाँ 9 8 है, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 3,925।
साठ 987,605 का निकटतम संवेदक मान। कोई भी संख्या इसको ध्यान से देखिए आप लोग, 987,605। जब 100 तक हम निकटतम मान बताते हैं तो 100 में होते हैं 2 जीरो, तो इसके 2 अंकों का बनाना पड़ेगा 0, तो इसका भी बन गया 0, इसका भी 0। तो लास्ट वाला अंक जो अगर हम 0 बनाते हैं तो अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 अंक बढ़ जाता है, लेकिन ये तो 0 है तो यहाँ अंक नहीं बढ़ेगा, या इसका मान वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 987,600। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को कहते हैं अधिक कोण। यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, ये वर्ग है, इसका परिमाप दे रखा है 40 मीटर। परिमाप बोलते हैं बाहर के चारों तरफ की माप 40 मीटर। तो जब क्योंकि चार भुजाओं की बराबर माप है तो इसमें 4 का भाग देंगे हम, तो पहले भुजा ज्ञात हो जाएगी, 4 एकम 4, अब 0 में 0 बार भाग, ठीक है ना। तो इसकी भुजा हो गई 10 मीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो यानी 10 गुणा 10, तो 10 दशांक हो गया 100, तो 100 वर्ग मीटर होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही आता है, ये याद रखना है आपको। 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटने पर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं करने। तो हम क्या करते हैं, बड़े घन का आयतन में छोटे घन का आयतन का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो जो घनों की संख्या होगी, छोटे मतलब कितने घन काटे जाएंगे, घनों की संख्या, तो घनों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे हम, ऊपर बड़े का आयतन, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसको कहते हैं कोर है 20, तो 20 गुणा 20 गुणा 20 होगी। और जो छोटे घन है उसकी होगी 5 गुणा 5 गुणा 5, अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 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 तो नीचे खत्म हो गया। तो ऊपर ऊपर का 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो कुल 64 घन काटे जाएंगे। तो इसमें लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा कठिन प्रश्न है बच्चों के लिए। इसके जो हिसाब देखिए आप, तो ये 3 और 2 और 1 है, तो इसको आप जोड़ दीजिए 3 2 1, तो 3 और 2 5 1 6 हो रहा है, तो 6 का गुणा कर रखा है 2 से, तो 6 2 12, और 12 में फिर 2 जोड़ रखा है तो 14, ठीक है ना। इसका भी हम वैसे ही जोड़ेंगे, 4 और प्लस करके 3 कर दो 7 और 2 9, तो इसका जोड़ हो गया 9, तो यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से किया, 9 3 27, और 27 में फिर 2 जोड़ दिया 29 हो गया, ठीक है। इसका भी आप जोड़ करिए, 5 में 4 जोड़िए 5 और 4 9 और 9 में 3 जोड़िए, ये हो गया 12। तो यहाँ 2 से गुणा था, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा, 12 चौक 48, और इसमें फिर 2 जोड़ रखा है, सब में 2 जोड़ रखा तो 50 हो गया। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको हम आपस में जोड़ देंगे, 6 5 11 11 4 15, ये हो गया 15। अब यहाँ 2 से गुणा था, यहाँ 2 से गुणा 3 से गुणा यहाँ 4 से गुणा, तो यहाँ 5 से गुणा होगा, तो 15 5 75, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 75 2 होंगे 77, तो जो इसके अंदर आएगा 77 आएगा। निम्न चित्रालेख एक दुकानदार द्वारा 3 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है। तो एक स्टार जो है 10 पुस्तकें दिखा रहा है, ठीक है। तो शुक्रवार को कितनी बिकी, 10 20 30 40 बिकी, शनिवार को 10 और 20 ही बिकी, रविवार को 10 20 30 40 50 बिकी। तो 3 दिन बाद यदि दुकानदार के पास 110 पुस्तकें बची हैं, अब 110 पुस्तकें बच गई, तो इसका मतलब इन सब जोड़ देंगे 40 20 और 50, ये 3 दिन बिके और ये बची हुई है। तो शुरू में उसके पास कितनी पुस्तकें थी, तो इसका मतलब ये बेच भी बिक भी गई है, जो बची है उसको भी हम जोड़ देंगे, तभी तो पता चलेगा। 5 और 2 7 और 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 और 220, इसका मतलब उसके पास जो पुस्तकें थी वो 220 पुस्तकें थी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो जो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 11 है। 0.5 को भिन्न में बदलो, किसी भी 0.5 है, देखिए आपको याद रखना है 0.5 है, इसको भिन्न में बदलना है, क्योंकि 1 अंक के पीछे दशमलव जब होता है तो उसका बटा 10 होता है,
दो अंक के पीछे दशमलव होगा तो बटा सौ होगा, क्योंकि ये दसवां भाग है तो 5/10, इसको काट के छोटा कीजिए, 5 एकम 5, 5 बटे 10, तो 1/2 उत्तर आएगा। इसमें गलत हो गया कहीं, 1/2 लिखना मिस हो गया, इसका आंसर 1/2 ही है, ठीक है ना। रवि के पास 5.5 मीटर वाली 11 रस्सियां हैं, रवि के पास जो है 5.5 मीटर की 11 रस्सियां हैं गुणा 11, यदि सभी रस्सियों को जोड़ दिया जाए तो अधिकतम कितनी दूरी को मापा जा सकता है। तो 5.5 को हमने 11 बार जोड़ना है या 11 से गुणा करना है, तो 11 एक साथ कर सकते हैं, अगर आपको पढ़ा आता है तो 11 5 55 का 5 हासिल 5, फिर 11 5 55 और 55 में 5 जोड़ के हो गए 60, या एक अंक के पीछे दशमलव है तो यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव, तो 60.5 मीटर लंबाई को हम माप सकते हैं। रमेश किसी गड्ढे के 1/3 भाग को 6 दिन में खोदता है, कोई गड्ढा है तो ये वाला गड्ढा 1/3 है, तो इतना खोदा इसने 6 दिन में, ठीक है ना। पूरे गड्ढे को कितने दिन में खोदेगा, तो यहाँ पे दिमाग लगाइए आप, तो इसको भी 6 दिन में खोदेगा, इसको भी 6 दिन, तो 6 × 3 हो जाएगा तो 18 दिन, ठीक है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स का 1/3 = 6 होता है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 तो वैसे ही रहेगा अपनी जगह, 1/3 जब आगे जाएगा पक्षांतर होगा तो 3/1 होगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 6 × 18 हो गया, तो 18 दिन में खोदेगा। यदि 6 गाय 6 खेत को 6 दिन में चरती हैं तो 1 गाय 1 दिन में कितने खेत चरेगी, तो एक जगह लिख दीजिए आप गाय, एक जगह लिखिए खेत, एक लिखिए दिन, तो 6 गाय 6 खेत 6 दिन में चरती है। अब 1 गाय 1 दिन में कितने खेत चरेगी, x, तो यहाँ x की तरफ पहले निशान लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लिखने वाले हैं x/6 बराबर, अब इसका संबंध इसके साथ देखिए दिन, क्योंकि यहाँ दिन घट रहे हैं, जब दिन घटेंगे तो यहाँ खेतों की संख्या भी घटेगी, तो यहाँ जो है डाउन की तरफ लगेगा 1/6। अब देखिए खेत के साथ गाय का क्या संबंध है, यहाँ गाय घट गई, तो जब यहाँ गाय 6 गाय 6 दिन में 6 गाय 6 खेत चर रही है, तो 1 गाय कितने खेत चरेगी, 6 गाय 6 खेत चर सकती है, तो 1 गाय कम ही खेत तो चलेगी, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा संबंध, यहाँ तीर भी उल्टा लगेगा, तो 1/6 हो जाएगा। अब ये 6 जो है कहाँ चला जाएगा, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो गुणा 6 इधर आ जाएगा, तो 6 6 तो कट गया, तो कितना आंसर बच गया, 1 ऊपर बच गया, नीचे 6, तो 1/6 खेत चलेगी, 1 गाय 1 दिन में 1/6 खेत चर पाएगी। 3600 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, तो क्योंकि 3600 सेकेंड है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से आप भाग दीजिए, चाहे इसको बटा करिए, भाग देने का सबसे बढ़िया तरीका है 0 से 0 काटिए, 6 कम 6 6 6 36 और 0 में 0 बार, यानी 60 मिनट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 85 को रोमन में प्रदर्शित करती है, तो देखिए 85 के लिए क्या आता है, 50 के लिए x, 60 के लिए lx, 70 के लिए LXX, 80 के लिए LXXX, 80, अब 5 हो रहे तो 5 के लिए भी, ये वाली संख्या जो होगी LXX भी ये वाली संख्या प्रदर्शित करती है। घन में तल होते हैं 6, ये याद रखना है, जो घन में 6 तल होती हैं और 12 कोर होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। संख्याओं की अगली पंक्ति यहाँ देखिए 30 45 60, 15 15 30 15 45 65 75, यहाँ 35 है, 35 में 15 जोड़ के 50, 50 में 15 जोड़ के 65, तो 65 में 15 जोड़ के 70 और 80 हो जाएगा। यहाँ 40 है, 40 में 15 जोड़ के 55, 55 में 15 जोड़ के 70, 70 में 15 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, तो 75 80 85 75 80 85। यहाँ देखिए 1/3 है, 1/4, 1/6, 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न है और के बराबर है इसमें, तो इस बच्चे ने अपनी रोटी के 3 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, इसने 4 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, इसने 6 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, इसने 2 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया, तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा टुकड़ा उसने किया होगा जिसके टुकड़े सबसे कम होंगे, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी 1/2 होगी,
क्योंकि इसने दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा खाया तो इसने बड़ा सा टुकड़ा खाया, ठीक है ना। तो एक बटे दो सबसे बड़ी भिन्न होगी। 816,580 में 8 के स्थानीय मान का योग, तो एक तो ये 8 है, एक ये 8 है, तो 8 का पहला 8 लाख है, तो 8 के आगे 5 जीरो, 5 अंक है, 1 2 3 4 5, ये 8 दहाई में है तो 8 दहाई 80, तो इसका योग कितना ही हो जाएगा, 8 0 0 0, 8,80,000। यदि 40 टॉफियों का मूल्य 8 रुपए है तो 22 रुपए में कितनी टॉफियां आएंगी। यहाँ पे बच्चे थोड़ा चकरा जाते हैं, तो इसका जो सबसे बढ़िया तुलना करने वाली विधि से, पहले 40 टॉफियां आ रही हैं कितने रुपए की, 8 रुपए की, अब 22 रुपए की कितनी टॉफियां, x टॉफियां, x की तरफ 3 लगेगा। अब यहाँ देखिए रुपए बढ़ रहे हैं तो यहाँ टॉफी भी ज्यादा आएंगी, तो यहाँ a की तरफ 3 लगेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बटे 40 बराबर 22/8, और ये 40 कहाँ जाएगा, गुणा में इधर चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 22 पंजे 5 10 का 0, हासिल 1 5 10 और 1 11, 110 टॉफियां आएंगी। यहां देखिए इसमें आप क्योंकि सबसे पहले तो कोस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइन कम करना चाहते हैं तो इसको भी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग संक्रियाएं अलग अलग दूर दूर है, तो 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, धन 6 गुणा, यहाँ 6 में से 6 गया तो यहाँ कोस्ट हट गया, 6 में से 6 गया 0, अब गुणा करते हैं तो 6 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 1 धन 0 ही होगा, तो 1 में 0 जोड़ के आंसर 1। 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ दो चीजें, एक तो है आदमी, इसको भी तुलना वाली विधि से करें, एक है दिन, तो 6 आदमी कर रहे हैं 18 दिन में, 6 आदमी 18 दिन में कर रहे हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 3 आदमी 100 दिन, तो यहाँ देखिए आदमी सोचता है जल्दी में, बच्चे क्या करते हैं कि 6 आदमी 18 दिन में, तो 3 आदमी, यहाँ 6 का आधा 3 है तो यहाँ 18 का आधा 9 होगा, यहाँ उल्टा संबंध होता है, जब आदमी आधा हो गए तो यहाँ ये भी जो है, जब आदमी आधे हो गए तो यहाँ दिन दुगने लगेंगे, क्योंकि इसका संबंध होता है उल्टा, क्योंकि जब आदमी घटते हैं तो दिन बढ़ते हैं, यहाँ तो x की तरफ 3 लगेगा, इसलिए क्योंकि हमने x बटे 18 करना है, बराबर यहाँ तीर उल्टा लगेगा, क्यों लगेगा यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि आदमी 6 थे 3 हो गए, घट गए आदमी, तो जब आदमी घटेंगे तो यहाँ दिन बढ़ेंगे ज्यादा, जब एक आदमी जितने दिन में करता है तो यहाँ दो आदमी, यहाँ आदमी बढ़ते हैं तो यहाँ दिन कम हो जाते हैं, जल्दी हो जाता है काम, तो इसका संबंध उल्टा है, इसलिए उल्टा संबंध का मतलब उल्टा बट्टा हो जाएगा 6/3, और ये 18 कहाँ जाएगा, पक्षांतर में, यहाँ तो आप गुणा 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 × 6, और 18 × 2 हो गए 36, तो दुगने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे काम को पूरा, तो यहाँ 25.05, तो 27, ये जीरो लिखना जरूरी नहीं है, तो 27.58 आंसर, ये विषय ये 27.580, क्योंकि जो अगर जीरो लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे 3 जीरो रखो तो 4 अंक हो गया, सबसे छोटी हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 होता है का अंतर, तो इसमें से 1000 में से 1 गया तो 1 होगा बस। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो सबसे पहले तो 2 त्रिभुज बड़े बड़े, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये जो ऊपर की तरफ है, इसको आप देख रहे होंगे, 2 3 4 5 6 त्रिभुज ये हो गए, तो 6 और 2 8 त्रिभुज हो गए, बॉक्स में सही गणितीय चिन्ह लगाइए जिससे सही उत्तर प्राप्त हो सके, तो 10 उत्तर आना चाहिए, तो अगर हम पहले इसको चुनते हैं, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ भागा, तो सबसे पहले हम भागा करेंगे, तो 5 का भाग 5 में देंगे तो 1, इधर जो है 5 और यहाँ 5, 5 ऋण 5 धन 1, तो पहले जुड़ेगा ये और 5, 5 ऋण 6 हो गया, इसमें से 5 घटेगा तो 6 में से 5 गया, 1 उत्तर आ रहा, 10 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं लगेगा। अब आप इसको लीजिए, यहाँ धन, यहाँ भागा, यहाँ ऋण, तो अब यहाँ सबसे पहले भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 धन 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 हो जाएगा, और ऋण 5, तो ये भी वही हो गया, 5 और 1 6, और 6 में से 5 गया तो 0, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। ये वाला लगाइए, तो यहाँ पहले भागा, यहाँ धन
और यहाँ गुणा। तो पहले हम भाग करेंगे, तो पांच में पांच का भाग दिया तो एक आंसर आया, धन पांच गुणा पांच। अब गुणा करेंगे तो पांच पंजे 25, तो एक धन 25, तो 25 और एक 26 आंसर। तो ये भी नहीं हो रहा है, आंसर आना चाहिए 10। इसको देखिए, तो यहाँ गुणा, यहाँ भाग, यहाँ धन। तो पहले हम भाग करेंगे, तो पांच गुणा पांच का भाग, पांच में दिया एक, धन पांच, तो पांच एकम पांच, धन पांच, तो पांच पांच हो गया 10। तो ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में अधिवर्ष लीप ईयर है, तो लीप ईयर वो होता है, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं फरवरी में, और पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं, और फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो वो वर्ष लीप ईयर होता है जिसमें चार का भाग जाएगा। अब इसमें चार का भाग नहीं जा सकता क्योंकि इकाई में विषम संख्या है, चार का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। चार का भाग उसमें जाता है जिसमें अंतिम के दो अक्षरों में चार का भाग जाता है, क्योंकि 22 में चार का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में चार का भाग नहीं जाएगा। इसके इकाई में भी विषम अंक है तो नहीं जाएगा। अब ये देखिए, अंत में 24 में चार का भाग जाएगा, तो पूरे सन में चार का भाग जाएगा, तो 2024 जो है लीप ईयर होगा, इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। रुमाल का एक कोना काटने पर नई आकृति होगी, अगर हमने ये कोना इसका काट दिया तो ये जो नई आकृति बनेगी ये बनेगी। तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई, एक दो तीन चार पांच, पंचभुज बन गए, पहले चार भुजाएं थी। आयत के प्रत्येक कोण का मान, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यदि किसी राशि का एक चौथाई 48 है, कोई राशि है एक्स है, एक्स का एक बटे चार कितना है 48, एक चौथाई मतलब एक्स का एक बटे चार 48 है, तो पूरी राशि हो गई एक्स बराबर 48 गुणा, तो ये उल्टा हो जाएगा, चार बटे एक, तो नीचे एक लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एक का कोई वैल्यू नहीं है, तो 48 गुणा चार, चार अठा 32 का दो, हासिल 3, चार चौक 16, 3 19, तो पूरी संख्या होगी 192। तो इस तरह से देखिए, ये 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न थे। यद्यपि कुछ प्रश्न थोड़ा कठिन थे, लेकिन अगर आपके बच्चे, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप स्टेट लेवल जिला स्तर तक जाएंगे तो वहाँ कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं थोड़ा कठिन लेवल के, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, और सारे वीडियो मेरे चैनल के देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा।